श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से बालोदा बाजार के कोकड़ी में श्री आशुतोष शिवमहापुराण कथा चल रही है। आज इस कथा का पांचवा दिन है। आज की कथा में गुरु जी ने हमें बताया है कि शिवलिंग पर हमें बेलपत्र, श्रीफल और धतूरा कब कब चढ़ाना चाहिए और क्यों चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पार्वती जी के द्वारा किया गया पुण्यक व्रत, इसके बारे में भी बताया है। पशुपति व्रत के उद्यापन के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी है एवं हमें हमारे व्रत का पुण्य फल कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में भी बताया है। ये सभी आज की कथा में बताया है। इसके अलावा कई अन्य जानकारियाँ और पत्र पढ़कर बताए हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आज की कथा की पहली जानकारी, हमारे द्वारा किया गया दान, पुण्य, भक्ति और भजन कभी घटता नहीं है, वो तो केवल बढ़ता चला जाता है और हमारी उन्नति में हमारा साथ देता है, हमें हमेशा आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। आज की कथा की अगली जानकारी, हमें अपने जीवन में कभी ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इतनी कथा सुनी है या इतनी पूजा की है या फिर इतने व्रत किए हैं, लेकिन हमें इस बात पर अभिमान जरूर करना चाहिए कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया है। जब भी मुझे तकलीफ आएगी, मेरे महादेव मेरे साथ जरूर रहेंगे और मुझे उस मुसीबत से, उस तकलीफ से निकाल लेंगे। आज की कथा की अगली जानकारी, जब हम एक चावल का दाना शिव मंदिर में समर्पित करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत से लोगों को मिलता है। पहला पृथ्वी को मिलता है, इल्ली को मिलता है, पक्षी को मिलता है, उस दाने को उगाने वाले को मिलता है, उसको झाड़ने वाले को मिलता है, मशीन में निकालने वाले को मिलता है, जिसके घर में आया है उसको प्राप्त होता है, जिसके घर है उसके घर से ले जाकर बेचने वाले को मिलता है, जिसने खरीदा है उसके घर तक पहुंचाने वाले को मिलता है, जिसने खरीदा है उसको भी मिलता है। इस प्रकार उस चावल के दाने से किसी न किसी कारणवश जुड़े हुए हर सभी, उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी इंसान को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आज की कथा की अगली जानकारी, शिव महापुराण कथा जब होती है तो वो एक कुंभ के मेले के बराबर होती है। जब भी आपके आसपास शिव महापुराण कथा होती है तो आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, शिव महापुराण कथा के कुंभ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। आज की कथा में गुरु जी ने पुण्यक व्रत के बारे में बताया है। यह पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने पहली बार रखा था। यह व्रत एक वर्ष तक होता है। एक वर्ष तक एक वृक्ष के नीचे बैठकर भोलेनाथ की पूजा की जाती है और एक वर्ष तक उसी वृक्ष की पत्तियों का सेवन किया जाता है। एक वर्ष के बाद उस व्रत का उद्यापन किया जाता है। माता पार्वती जी ने यह व्रत श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए किया था। आज की कथा की अगली जानकारी, हमें हमारे जीवन में हम कोई भी व्रत करें, उस व्रत का उद्यापन हमें अवश्य करना चाहिए। जब तक हम उस व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं तब तक उस व्रत का पुण्य फल हमारे भाग्य में या हमारे खाते में नहीं आता है। पशुपति व्रत का उद्यापन पांचवें दिन किया जाता है। शाम की पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो सभी सामग्री ले लें। उन सामग्री के अलावा आपको 108 कोई भी सामग्री लेना है, चाहे आप 108 बेलपत्र लें, चाहे 108 चावल के दाने, चाहे 108 फूल लें या फिर फूल की पंखुड़ियाँ लें, 108 मूंग के दाने भी ले सकते हैं, 108 मखाने भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री पॉसिबल है या फिर आपके पास है वो 108 गिनकर आप ले लें और एक नारियल पर मोली लपेटकर उस पर 11 रुपये या फिर 21 रुपये दक्षिणा रखकर रख लीजिए। इसके अलावा पशुपति व्रत के उद्यापन में कोई अन्य सामग्री नहीं चाहिए होती है। जब भी हमारा कोई कार्य पूर्ण हो जाता है या कोई विशेष मनोकामना पूर्ण होती है या फिर किसी व्रत के दिन या व्रत के उद्यापन में महादेव को श्रीफल, बेलपत्र और धतूरा समर्पित किया जाता है, और धतूरा केवल किसी विशेष मनोकामना से चढ़ाया जाता है या किसी विशेष पूजा या विशेष दिन जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, प्रदोष के दिन चढ़ाए सकते हैं। आज की कथा का पहला पत्र राजकुमारी जी ने बालोदा बाजार से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरे पुत्र और बहू की शादी को 14 साल हो गए। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। कई बार डॉक्टर से इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं रहा।
डॉक्टर ने हमें कह दिया कि हमारे यहाँ संतान हो ही नहीं सकती। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमने सिर को नहीं झुकाया। बहुत लोगों के द्वारा बताए उपाय करें, पर कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो आस ही छोड़ दी थी। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। तब तक मैंने आपकी कथा सुनना चालू किया। मैंने अपनी बहू से सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करवाया और रोज़ एक लोटा जल शिवजी पर चढ़वाती और एक बेलपत्र चढ़वाती। जल छिलकर वो पीती और चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि मांगकर खाती। जहाँ डॉक्टर ने कहा था उसे एक बच्चा नहीं हो सकता, बाबा ने उन्हें दो बच्चे दिए हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। हम आज की कथा में बाबा को धोखा लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का दूसरा पत्र अनिता जी ने बैतूल से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरी शादी को 2 साल हो गए। गुरुजी मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरी बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए, उसे कोई संतान नहीं थी। मैंने उसे आपके द्वारा बताया पशुपति व्रत के बारे में बताया और उसने पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। मेरी बेटी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम यहाँ कथा में बाबा को धोक लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी, कभी कभी भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं कि हम एक लोटा जल लेकर मंदिर जाएं, तब वे हमारा दुख और तकलीफ़ दूर करेंगे। तो जब भी हमें कोई दुख तकलीफ हो, हमें शिव मंदिर एक लोटा जल लेकर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण और यजमान को दोनों को संतोषजनक होना चाहिए। आज की कथा का तीसरा पत्र शशि जी ने लिखा है। वे लिखते हैं, गुरुजी मेरी नौकरी नहीं थी। मैंने संकल्प लिया मैं शिव मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और नंदी के कान में नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहूंगी। मैंने ऐसा ही किया और बेलपत्र के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाती। केवल 2 सप्ताह में ही मेरी नौकरी पक्की हो गई। मैं यह कथा में बाबा को धोखा लगाने के लिए आई हूँ। आज की कथा का चौथा पत्र जिसमें लिखा था, हमारी शादी को 8 साल हो गए थे, हमें कोई संतान नहीं थी। 8 साल तक कई डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मेरी बहन ने मुझे एक आपका छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा। तब से हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपका बताया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला और पीपल के पत्ते वाला दोनों उपाय किए और हमें बाबा ने संतान दे दी। हम यह कथा में बाबा को धोखा लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का पांचवा पत्र सुनीता जी ने बिलासपुर से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरे पति का एक बार एक्सीडेंट हो गया था। वो अकेले रोड पर पड़े थे, तब किसी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उन्हें वहां से आगे रेफर कर दिया। वहां के डॉक्टर ने हमें 72 घंटे का समय दिया। मैं आपकी कथा सुनती थी तो मैं एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर पहुँच गई, शिवजी पर जल चढ़ाया और जल झेल कर लेकर आई और उनके होठों पर लगाया। एक चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आई थी, वो उनके बिस्तर पर रख दी। बाबा की कृपा से मेरे पति आज ठीक है। मैं यह कथा में नमन करने आई हूँ। आज की कथा का छठा पत्र जिसमें लिखा था, मेरी सास की लीवर किडनी 95% तक काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। फिर मैंने एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाया और एक चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ाया हुआ जल झेल कर लाई और एक चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि मांगकर लेकर आई। दोनों अपनी सास को दिए और फिर से उनकी जांच करवाई तो उनके लीवर और किडनी ने काम करना चालू कर दिया था। हम यहाँ कथा में बाबा को धोखा लगाने के लिए आए हैं। आज की कथा का उपाय, जो शिव मंदिर कहीं वीराने में हो, जहाँ कोई नहीं आता जाता हो। यदि कहीं कभी आप ऐसी जगह पहुँच जाएँ और आपके पास साफ स्वच्छ जल हो, झूठा ना हो, तो आप उसमें से एक लोटा जल उस शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। वीराने के शिव मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल सुख प्रदान करता है। पूज्य गुरु जी की अगली कथा महाराष्ट्र के परभणी में होने वाली है। यह कथा 5 दिवसीय रहेगी। 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक इसका समय रहेगा। इस कथा का स्थल लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभणी है। इस कथा को माँ चंद्रभागा शिवमापुराण नाम दिया है। सीहोर में रुद्राक्ष वितरण समारोह 16 फरवरी से 22 फरवरी तक होने वाला है। आप सभी लोग वहां पहुंचकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा के उपाय, विशेष जानकारियां और पत्र जो कि आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताए हैं। यदि आपको आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, ताकि जो भी आज की कथा किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा का संपूर्ण रसपान वो कर सकें और अपने समय को बचा सकें।
साथ ही कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।